Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good morning. You are watching our Spoken Recipes, and here I am, Marsha. Welcome or welcome back to my channel. ये मेरे हाथों में ब्लैक कॉफ़ी और देखिए लाइम, आई कितना प्यारा लग रहा है ना लाइम. ड्यू ड्रॉप्स रात में फोगी फोगी और सुबह ड्यू ड्रॉप्स थे सारे ऐसे पत्ते फूल वगैरह में है ना, फल वगैरह में. और यहाँ पे मीठी चाची क्या कर रही है, पिजियन भी तोड़े है अपने किचन गार्डन में से. नई सुबह नई उम्मीद और काम वही रोज़ाना का. तो यहाँ पे मैं अपना पादों का की सफाई मतलब वॉश करने में लगी पड़ी हूँ. अपने पादों का की वॉश मैंने लाइफ में कभी नहीं किए, आज पहली बार कर रही हूँ. और वैसे भी ऐसे साफ सफाई करने में मेरा हाथ थोड़ा सा कच्चा है, जैसे कि किचन का बर्तन साफ़ सफाई करना हो, मेरे से झकझका वाला साफ सफाई, डिश वॉश, बर्तन, कढ़ाई, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम झकझक करके, एकदम चकाचक करके मैं मांझ नहीं सकती. सेम ये वाले काम भी मेरे से नहीं होगा, शायद हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसे बर्तन मांझना, ऐसे एकदम वो होता है ना कपड़े, कुछ कपड़े में बहुत ज़्यादा मैल जम जाता है, धब्बे, जिद्दी मैल, उसको मतलब एकदम अच्छे से वॉश करना मेरे को नहीं आते, पता नहीं पेशेंस है नहीं है इसी वजह से ऐसा होता है, या मेरे हाथों में रगड़ने का ताकत नहीं है, कपड़े को रगड़ के और बर्तन को रगड़ के मांजना पड़ता है. और अरे बर्तन को मांजना पड़ता है लेकिन कपड़े को धोना पड़ता है ना, वही कपड़े को कैसे मांजेंगे, वो तो बर्तन को मांजते हैं ना, कपड़े को तो धोलते हैं रगड़ के. वही तो मैं भी क्या मतलब मैं कुछ भी बकबक कर रही हूँ अभी. चप्पल नहीं बोलेंगे ना इसको, क्या बोलेंगे, शूज. इसको धोते हुए भी मेरे को हंसी क्यों आ रही है पता नहीं, इतना खुश मिजाज में कभी नहीं हुई. इतना खुशी मिल रही है मुझे पहली बार अपने ही जूते साफ़ करते हुए है ना, किसी और का जूते अगर साफ़ करने देते शायद मेरे को गुस्सा आते, खुद के है ना इसलिए हंस हंस के कर रहे हैं. और फाइनली मैंने ये काम भी कर लिया आज, ये अचीवमेंट नहीं है लेकिन किए मैंने. अभी क्या करूँगी देख पाओगे आप लोग अभी मैं क्या करने वाली हूँ. और हाथ में इचिंग स्टार्ट हो गया है मेरा, पता नहीं कौन सा चीज़ पकड़ लिया. हाँ, जूते साफ़ किया ना तो वहाँ के मिट्टी वगैरह कुछ वो होता है ना, जिसको जो लगने से हाथ में इचिंग वगैरह होते हैं, हम लोग तो बमतौक बोलते हैं. तो यहाँ तो ये जूते बाहर रखा हुआ था, ऊपर से यहाँ पे वो ना धान वगैरह सुखाया गया बहुत से, तो आसपास भी बम्बू का ट्री बहुत सारा है, तो वहाँ से उड़ के बमतौक आया होगा और यहाँ पे धूल मिट्टी के साथ वो बमतौक लग गया होगा. वही ना बम्बू पे जो रहता है, जिसको जो लगने से ना ऐसे इचिंग होते हैं वो वाला, तो इसको साफ़ सफाई करते टाइम में मेरे हाथ में लग गया होगा, इस वजह से मेरे को हाथ में खुजली हो रही है. कोई ना, मैं सुथल लगा लूँगी. अभी और एक काम सीखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ. फर्स्ट टाइम मैं ये जो है ताथ बोलते हैं हम लोग इसको, दो तरीके से ऐसे ना रिगनाई बनाया जाता है, एक तो ताथ से जैसे कि ये, और एक कोमर ताथ यानी कि जो हम लोग एकदम फ्लोर में बैठ के बनाते हैं वो हम लोगों का ट्रेडिशनल है. ये मतलब ताथ ये मणिपुरी लोगों का, हाँ ऐसे ट्रेडिशनल जो रिगनाई है, पिनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिगनाई को, वो बनाते होंगे वो लोग शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो. हाँ शायद इसी तरीके से मणिपुरी लोगों का जो है ट्रेडिशनल रिगनाई यानी कि साड़ी बनता होगा. तो इस तरीके से हम त्रिपुरीज भी बनाते हैं इस ताट से, और ये थोड़ा कम दाम में बिकता है मार्केट में, या खरीदने के लिए कम दाम में खरीद सकते हैं. लेकिन हम लोग जो फ्लोर में बैठ के कम और ताट बोलते हैं उसको बंगाली में थांती, हम लोग तो थांती बोलते हैं, तो थांती में बैठ के हम लोग जो रिगनाई बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड मेहनत भी थोड़ा लगता है ज़्यादा, एंड टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है बन के रेडी होने में. तो ये चीज़ भी मैंने आज थोड़ा सा देख लिया, बाद में सीख लूँगी अच्छे से. तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ताथ मैंने टच किया है.
ढेर साले नहीं, ढेर सारा लकड़ी, सारा नहीं होता इसमें, ढेर सारे लकड़ी रखा जा रहा है ख़रीद के। तो ये जो है ना, जो फंक्शन आ रहा है घर में, उसमें लगेगा, खाना वाना बनेगा ना ढेर सारे, तो उसी के लिए एक एक करके दो तीन बार, चार बार, पांच बार करके मैं रख रही हूँ, स्टॉक करके रख दूँगी। और फिर यहाँ पे चालंग बोल रही है कि मेरा हेयर कट कर दो भाभी, मेरा हेयर कट करके दो भाभी। तो मैं आ गई हूँ चालंग की हेयर कट करने के लिए। देखिए मैं क्या क्या काम कर रही हूँ आजकल, वाह, खुद पे प्राउड होता है ना, अच्छा लगता है। तो मैं आज फिर से सैलून मास्टर बन चुकी हूँ और अभी चालों की हेयर कट कर रही है। तो और भी कई लोग बोल रहे हैं कि हेयर कट कर दो, तो मैं कर दूँगी, वो भी सबके हेयर कट कर दूँगी, सबके हेयर डाई कर दूँगी, सबकी फेशियल कर दूँगी, सबकी फेस मसाज कर दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। और फिर सब कर दूँगी, किसी के ड्रेस ना, फंक्शन के लिए ड्रेस जो चाहिए वो भी अरेंजमेंट कर दूँगी। मैं हूँ तो क्या दर्द है ना, काय को टेंशन, मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना, दिल चाहे जितना काम उतना मांग, मांग लो नहीं होगा, दिल चाहे जितना काम उतना डाल दो, मतलब काम डाल दो मेरे पे, है ना। और फिर लिरिक्स भूल गई, फिर से कोशिश करती हूँ। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना, दिल चाहे जितना उतना काम डाल दो, तुमको मिलेगा उतना काम से राहत हो। जो दिमाग में आया गा दिया। मुझे एक्चुअली ना कोई कहे कि ये कर दो तो मेरी मतलब मैं वो अगर कर सकूँ तो मैं कर ही देती हूँ, ये तो सभी है। लेकिन कोई कोई लोग होता है ना, बहानाबाजी करते हैं ऐसे ना, मैं अभी नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आते हैं, फिर भी कोई उसको बोलना दे कि करो मेरे लिए कर दो, इस वजह से छुपाते हैं कि उसको ये करना आते है। अगर पैसा मतलब पैसों के बदले तो कर देंगे, तब बोलेंगे कि मेरे को आते हैं, लेकिन वैसे फ्री में ना मांग ले कोई ये कर देने के लिए, तब मना करते हैं ऐसे लोग। मुझे पता है ऐसे लोग, तो यहाँ नहीं, आप लोग गलत मत सोचिए, मतलब गलत मत समझिए, है। चालू ने अपना शो साफ किया आज, तो इसको देखकर मुझे भी मन हुआ, मेरा भी, मैं शो क्यों ना साफ सफाई कर दूँ। लेकिन अभी मैंने नोटिस किया, पहली बार ये काम कर रही मैं, कि इसका जो शॉल है इसको निकाल के सुखाने पड़ते हैं, मैंने तो वो चीज़ किया ही नहीं, मेरा शॉल निकलता ही नहीं। अच्छा, उल्टा रख के देखती हूँ, इसे रनिंग शो है मेरा, हाई रे रनिंग नहीं कर पा रही। कुछ दिनों से हम लोग बस धान ही सुखा रहे, पता नहीं वो फंक्शन में कितने गेस्ट आएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जितना गेस्ट आएंगे, जितना हम लोगों ने इनवाइट किया है, उससे ज़्यादा धान सुखा रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा धान एक साल में खा के भी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा धान सुखा रहे हैं। शायद मतलब सारे के सारे, शायद फंक्शन के लिए नहीं, बाकी घर में खाने के लिए भी शायद सुखा रहे हैं ये, पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस हो रहा है ये काम, तो मैंने मदद कर दिया। लेकिन अभी इतना इमरजेंसी जो है कि फंक्शन का टाइम भी नज़दीक आ रहा है ना, तो फिर एक्स्ट्रा काम ना करके फंक्शन वाले काम करते तो और ज़्यादा मज़ा ही मज़ा आ जाता। मेरे को पता नहीं, या मेरी मतलब हिसाब किताब में खराबी है, इस वजह से मेरे को धान ज़्यादा लगा।
या फिर मेरे को मतलब फंक्शन जो नज़दीक नज़दीक आ रही है उसके वजह से मैं ज़्यादा वरिड हूँ कि सही से सब कुछ हो जाए, वही मैं प्रे कर रही हूँ भगवान जी से एंड खुद भी कोशिश कर रही हूँ, तो इसी वजह से शायद मुझे थोड़ा टेंशन होने लगी, तो ये बात मेरे दिमाग में घुस गया और मतलब अभी अभी घुसा है, अभी अभी निकल भी जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। और फिर मतलब ये ख्याल आया ना कि धान बहुत ही ज़्यादा सुखा नहीं रहे हम लोग, तो वही ना, अगर एक्स्ट्रा से सुखा रहे तो वो तो फंक्शन के बाद भी सुखा सकते हैं, वही ना। कोई ना, मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, मतलब आई एम वेरी सॉरी। चालू के हेयर कट खत्म, अभी चालू की मम्मी यानी छोटी चाची की हेयर कट कर रही हूँ मैं। हम लोग खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो छोटे काका ये लाए हैं, ये उनके दोस्त को बोले थे लाकर देने के लिए, तो आज बाजार है यहाँ पे, तो वहाँ देकर गई है और ये खरीद कर लाए चाचा। अभी मैं आ चुकी हूँ मीठी चाची और पी बसा के किचन गार्डन में, और यहाँ से मैं पिजन पी तोड़ के ले जाऊँगी और फिर इससे ही लंच बनाऊँगी, मतलब पिजन पी की सब्ज़ी ही आज का लंच होगा। एंड मीठी चाची एंड पी बसा कब से बोल रहे थे कि तुमको पिजन पी खाने का मन है तो आकर तोड़ कर ले जाओ या फिर हम लोग तोड़ के देंगे, तो उनका ही गार्डन से तोड़ के ले, मतलब उनका ही गार्डन से मेरे को खाना भी है और फिर वो लोग ही मेरे को तोड़ के दे, ये मैं सहन नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं खुद ही आई हूँ तोड़ने के लिए। एंड तोड़ने से पहले मैंने बोले भी है कि मीठी चाची एंड पी बसा मैं आपके गार्डन से पिजन पी तोड़ के ले जाऊँगी आज, तो उन लोगों ने बोले कि कब से बोल रही थी तुमको, तुम तो अभी आए हो, अभी तो मतलब ये तो अभी क्या बोलते एकदम बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो चुका है ना, कोई ना फिर भी, और कई सारे इंसेक्ट्स भी खा चुके हैं अभी इसको, मतलब अभी इसमें इंसेक्ट मतलब इंसानों का खाना, इंसानों का खाने का समय जा ही रहा है पिजन पी को, अभी कीड़े मकोड़े के खाने का समय है ना पिजन पी को, इसी वजह से। तो मीठी चाची एंड पी बसा बोले भी थे कि जब तुमको मन हो तो बोल देना, तोड़ के दे देंगे, लेकिन क्यों मतलब क्यों उन लोगों को तकलीफ में डाले है ना, इसी वजह से मैं माथे पे पगड़ी बांधकर, लाल पगड़ी और लाल प्लाजो पहनकर, एक गमछा ओढ़कर आ चुकी हूँ पिजन पी तोड़ने, और हाथों में नहीं, नीचे फ्लोर नहीं ज़मीन में एक प्लास्टिक वाला ब्लू कलर का एक झूरी रखा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, झूरी ही तो बोलते हैं बंगाली में, मतलब हम लोग तो इसको जंगा बोलते हैं, वही तो इसमें वो है, वो होता है ना कांटे वाला जो कैटरपिलर है, मतलब कैटरपिलर स्टिंगिंग जो कैटरपिलर है ना वो बहुत सारा है यहाँ पे, वो लगने से खुजली होता है। तो पिजन पी कलेक्ट करके ले आई, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, लंच बनाऊंगी अभी। एंड यंकोत्र बुरी ने कॉल किए हैं तो उनसे बात करते 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 मैं यहाँ पे किचन में खाना भी बना रही हूँ, और फिर जल्दी जल्दी लंच बन जाने के बाद और भी कई सारे काम करने हैं एंड आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से काम। अभी लंच बनाने के साथ साथ ना मैं लंच एक्चुअली लकड़ी वाले चूल्हे में बना रही हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, तो छोटी चाची वो देख रही है लकड़ी वाले चूल्हे में जो मैंने सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ, वो छोटी चाची देख रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रूम मतलब किचन रूम में चाय बना रही हूँ सबके लिए, जो भैया काम कर रहे हैं नए घर के उन सब के लिए एंड घर में जो जो लोग चाय पियेंगे उन सब के लिए, तो यही सारा चीज़ चल रहा है। एंड सर्दी लगी हुई है मुझे, फिर से सर्दी लग गई, और आज धूप है और ये मतलब रात को ना घर से बाहर निकलना होता है टॉयलेट के लिए, तो उसी वजह से ना फोगी सा रहता है माहौल रात का, तो ठंड लग जाता है, तो वही उसकी वजह से सुबह थोड़ा सा मतलब नाक में ऐसे सर्दी लगा हुआ रहता है, मतलब मैं सर्दी नाक में लगा के नहीं घूमती, लगा हुआ मतलब नाक में ना ऐसे सर्दी होता है। एंड फिर जो धूप आता है तो सनलाइट में थोड़ी देर बैठती हूँ तो सर्दी चला जाता है, नाक का सर्दी है ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अभी मैंने क्या किया एक्स्ट्रा से, अभी आज के मतलब अभी से मैं एक्स्ट्रा करके चाय बना रही हूँ, ताकि क्योंकि ऐसा होता है ना कि गेस्ट चले आते हैं अचानक, तो फिर से गैस जलाने होते हैं, मतलब गेस्ट चले आते हैं अचानक
तो फिर से गैस चलाने होते हैं, ऑन करने होते हैं और फिर से नए तरीके से नए चाय बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ना अभी तो ऐसे काम पे काम तो उस चीज़ पे भी टाइम चला जाता है, तो फिर ये टाइम का वेस्टेज होगा। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगी आज से, मतलब अभी से की भी मैंने कि एक्स्ट्रा से चाय बना के रख दिया। फिर किसी को भी पीने का मन हो तो गर्म करके दूंगी, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो फटाक से गर्म करके दूंगी। या फिर अभी क्या होता है ना कि जो अंकल लोग भैया लोग तो एक ही बार चाय पीते हैं जो काम कर रहे हैं नए घर का, लेकिन अंकल लोग बार बार चाय की डिमांड करते हैं, तो उसी वजह से एक्स्ट्रा से चाय बना के मैं रख रही हूँ। सबको चाय देकर आ गई हूँ मैं, एंड घर वाले जो चाय पियेंगे उन सबको दे आए, और फिर जो काम कर रहे हैं भैया अंकल सबको दे आए। अभी मैं कपड़े धो धा के सुखाने जा रही हूँ, एंड जब भी सूरज मामा उगते हैं तभी कपड़े धोलती हूँ मैं। ऐसे विंटर में फ़ैन चलाकर कपड़े सुखाओ वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि फ़ैन चलाने से हम लोग बर्फ़ बन जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होता है। अभी थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाएंगे, वही जल्दी जल्दी शाम होते हैं ना विंटर में, तो रेनी सीज़न में तो फिर भी कपड़े धो तो फिर भी सूरज मामा ना भी निकले तो फैन चला के कपड़े सुखा सकते हैं। हालांकि मैं वही करती हूँ मतलब वो ना समर हो या रेनी वो उस टाइम में। तो देखिए घर का काम भी कर रही हूँ, और यहाँ नए घर का जो काम चल रहा है कैसा चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं वो भी आकर देख रही हूँ। या ट्यूबवेल का भी काम चल रहा है, और फिर इलेक्ट्रिक जो है वायरिंग का काम भी चल रहा है, टाइल्स इंस्टॉलेशन का काम भी चल रहा है। तो यहाँ तो मैं 24 आवर्स बैठ के नहीं रह सकती ना, तो घर का बाकी काम भी करना होता है। तो बीच बीच में मैं यहाँ आके देख जाती हूँ, कभी चाय देने के टाइम में देख कर जाती हूँ, कभी कप्स लेने के टाइम में आकर देख जाती हूँ, और कभी काम के बीच में जाकर देख आती हूँ वही चल रहा है। फिर से चाय चढ़ा रही हूँ। ये दोपहर जो बनाई थी ना उसका आधा चाय है। एक्चुअली क्या हुआ, अभी मैं खाली कप लेने गई थी, तो वो खाली कप लेते लेते मैं बात कर रही थी ऐसे हाथों में ना कि जो ट्यूबवेल का सामान है वो सब आ चुके हैं कि नहीं। तो उसी वक्त साथ में जो काम करने वाले और एक अंकल है, थोड़ा बुड्ढा है वो, एज हुआ है काफ़ी, तो उन्होंने जो दूसरे जो काम कर रहे थे उन लोगों के साथी को बुला लिया कि चाय आया है आ जाओ। तो मुझे मैं अनसुना करके आ गई, लेकिन अभी इसको मैं गर्म करके दूंगी, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे ना दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए फिर से दोबारा से गर्म कर रही हूँ मैं। वैसे तो मैं एक टाइम ही चाय देती हूँ जो काम करने आते हैं, अभी सिर्फ जो ट्यूबवेल बना रहे हैं उन अंकल्स को, 5 जन है वो लोग, उन लोगों को मैं चाय गर्म करके दूँगी, और फिर बाकी तो खाना खाएंगे लंच ना, तो उन लोगों ने लंच भी नहीं लाया तो चाय ही दे दूँगी शाम तक। ऐसे भूखे भी तो नहीं रह सकते ना, वो लोग बुड्ढे भी है काफ़ी। ट्यूबवेल का जो काम कर रहे हैं वो अंकल्स काफ़ी एजेड है ना, तो इसी वजह से मतलब तो वही खाली प्याला लेने गई थी मैं कप्स, तो जो भैया लोगों का खाली कप है वो हाथ में लेकर मैं लेने गई थी, जो ट्यूबवेल का काम कर रहे हैं उन अंकल्स का खाली कप। तो फिर मेरे हाथों में जो भैया लोगों ने खाली किए थे कप, वो कप को देख कर ना अपने साथियों को बुला लिया कि चाय आ गया है फिर से, वही सारे चलता है। ऐसे भैया लोग तो मैं एक्चुअली दिन में एक ही बार चाय बना के सर्व करती हूँ वो जो काम कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए ना, जैसे कोई मिट्टी का या फिर वो आसपास का जो जंगल वगैरह साफ सफाई का के लिए आते लेबर, तो काफ़ी कुछ तो एजेड होते हैं, जैसे कि आज ट्यूबवेल का काम जो कर रहे हैं वो लोग भी एजेड है थोड़ा, तो वो लोग बार बार चाय की डिमांड करते हैं। अच्छा लगता है ऐसे ना, कोई खाने की चीज़ आपसे मांगे और फिर या फिर चाय मांगे, तो वो चीज़ मेरे को मतलब सर्व करना अच्छा ही लगता है। और फिर मैं क्या बता रही थी, हाँ ये कोई जब बोलते हैं ना ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर डिमांड ही रहता है उन लोगों का कि फिर से चाय पिला दीजिए, तो वो लोग क्या मतलब मेरे को बोलते हैं कि फिर से चाय पिला दीजिए, और फिर बोलते हैं आपके हाथों का चाय बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे को पता है एवे वो लोग मेरा पेस्ट करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं, मतलब असल में तो उन लोगों को फिर से चाय पीना होता है, फिर कोई ना अच्छा ही लगता है मुझे ये सब ना। देखिए मिडिल चाची का कपड़ा ना बाहर ऐसे ही मतलब धूप में दिया हुआ था, तो मैं लेने गई, तो देखिए एक लीटर कपड़े में से मेरे हाथ में चले आए अभी।
ट्यूबवेल का काम खत्म। देखिए पानी आना स्टार्ट हो चुका है, तो इन लोगों ने मेरे को बुलाए कि मामूनी आओ आओ और ट्यूबवेल पंपिंग करके देखो। फिर मैंने किए और छोटी चाची के हाथ में मैंने फ़ोन थमा दिए कि आप रिकॉर्ड कीजिए रिकॉर्ड कीजिए। वही ना, ये टिक टिक ही मतलब ये गिरगिट का वीडियो फिर से कैसे आ गया, मैंने दो बार डाल दिया एडिट करते टाइम, है ना। और फिर ऐसे ही चलता है ना। तो अभी मेरा लंच टाइम है, मैं लंच कर लेती हूँ। लंच ख़त्म और मैं फिर से आ गई नए घर का काम काज देख रेख करने के लिए। मेरे पास ट्राईपोड नहीं है और मेरा मैं जब भी ब्लॉगिंग बनाती हूँ मैं खुद ही कैमरा हैंडल करती हूँ, और कभी कभार चलाऊँगी के हाथ में पकड़ा देती हूँ या आसपास कोई रहता है मतलब जिसको मैं मतलब बोल सकूँ कि आप मेरा फ़ोन थोड़ा पकड़िए वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उन लोगों को मैं पकड़ा देती हूँ। जैसे कि हो कभी कभी पापा को पकड़ा देती हूँ, कभी कभी छोटी चाची को, कभी कभी नहीं छोटी चाची को आज ही पहली बार मैंने अपना फ़ोन पकड़ने के लिए दिए। मैक्सिमम चालू ही मतलब ऐसे ना ब्लॉग बनाते टाइम कैमरा हैंडल किए, वही सारी चीज़ें रहता है। अभी तो वो चीज़ करते नहीं है, भाग जाते हैं। मैं जब भी बोलती हूँ कैमरा पकड़ो तो भाग जाते हैं। भैया ने तो पूरा नहा लिया। अब यही लेतरा काम है ना। हाँ। और ये देखिए यहाँ पे पाई के रिगनाई, तो इसी तरीके से हम ट्रेडिशनल वे में रिगनाई बनाते हैं, वही ना। आज इतना लेट हो गया। ঠিক আছে না। शाम हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है, जल्दी जल्दी अंदर छा जाता है सर्दी के मौसम में। तो मैं किचन में हूँ, तो फिर से चाय बना रही हूँ। मैं चाय वाले बन चुकी हूँ अभी आजकल, और फिर सोच रही हूँ फ्यूचर में चाय का स्टॉल खोलूँ एक, और साथ में कुछ स्नैक्स भी रखूँ वहाँ पे, और फिर बेचूँ और पैसा कमाऊँ मैं। वही है, चाय बनाते बनाते आजकल मैं सपने में भी चाय बना रही हूँ, इतना ज़्यादा चाय बना लिया मैंने। अगर एक स्टॉल खोलती ना तो ढेर सारे पैसा कमा लेती, करोड़पति बन जाती मैं। करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी बन जाती मैं, और ऑडी खरीदती, जेगुअर खरीदती, और एक महल बनाती, और फिर स्विमिंग पूल वाला ना, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो वहाँ मैं प्रैक्टिस करती सीखती, वहाँ पर एक टीचर हायर कर लेती, पर्सनल टीचर, और फिर स्विमर ना, स्विमिंग एक्सपर्ट जो मेरे को सिखा सके। हालाँकि वो मतलब कब सीखना होगा पता नहीं। और फिर क्या, बगीचा होता फूलों का मेरा बहुत बड़ा सा, और फिर एक फ्रूट्स का भी बगीचा होता, फ्रूट्स गार्डन, वेजिटेबल का भी गार्डन होता, और फिर क्या होता पता नहीं। और और ये है बॉयल टपियोका, और इसको हम लोग थाबोड़चुक बोलते हैं। इससे मतलब इसका मतलब पर्स जैसे बना के ना जो बेचा जाता है वही शागो होता है, जो पूजा के टाइम में भोग चढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो गर्मा गर्म टपियोका बॉयल किया हुआ, उसके साथ चाय ख़त्म कर लिए इन लोगों ने, मैंने कॉफ़ी ख़त्म कर ली अपनी। मेरे को ये थाबड़ तो अच्छा नहीं लगता, कभी कभार ही खाती हूँ मैं। यहाँ पे रिगनाई बनाने का कार्यकलाप चल रहा है, सब अपने अपने रिगनाई लेकर बिजी है। इवन मिडल चाची भी बिजी है, दीवार के लिए रिगनाई बना रहे हैं वो। और यहाँ पे रिगनाई के
बारे में बातचीत चल रहा है और साथ ही साथ मैं भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय एंड गुड नाइट।